नमस्ते दोस्तों। ओला के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। कल तो एक बंदे ने ओला जला डाली, खुद की ओला। इतना परेशान हो गया वो ओला के सर्विस से कि खुद ओला स्कूटर पे रॉकेट डाल के खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटर जला डाली। एक बंदे ने बीड़ में डोंकी को ओला जोड़ा और डोंकी के साथ वो ओला चलाया रास्ते के ऊपर। तो ओला की ये जो परेशानी है वो क्यों है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस, रोड कंडीशंस, कस्टमर बिहेवियर और सबसे इम्पॉर्टेंट शोरूम ना होना, इन चीज़ों के वजह से है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यामाहा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी लॉन्च में हो सकती है इंडिया में, और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है तबाही मचा देगी, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, कॉन्फिगरेशंस है, फीचर है, वो ओला के बहुत करीब है। तो आज बात करने वाले गाइड्स यामाहा E01 इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो बहुत ही ज्यादा तगड़े कंपटीशंस लेके आ रहा है, क्योंकि उनकी जो टेस्टिंग है वो 4 कंट्रीज में होने वाली है। ओला ने क्या किया? कुछ टेस्टिंग नहीं किया, सीधा कंट्री इंडिया है, वहां पे लॉन्च कर दी स्कूटर। 181 किलोमीटर रेंज दे रही है 135, किन किन लोगों को तो 90 मिल रही है, किन किन लोगों के बीच में रुक जा रही है, चालू ही नहीं हो रही है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, मैं ओला इलेक्ट्रिक के ग्रुप पे हूं फेसबुक के, रोज कम से कम 5 लोग प्रॉब्लम्स डालते हैं। हाँ, 2 लोग अच्छा बोलते हैं ओला के बारे में, 5 लोग प्रॉब्लम्स डालते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे यामाहा, ये जो को प्रूवन ब्रांड्स है, यामाहा, बजाज, टीवीएस, इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखिए बहुत ही तगड़ी है। तो यामाहा का मैं सोच रहा हूँ इंडिया में आएगा तब कैसे तबाही मचाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, जल्दी हमें 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। आपका प्यार देते रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑथेंटिक और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका सहयोग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, यामाहा लेके आ रहा है उनकी अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, और जो अप्रैल 11 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उनका कुछ सेशन हुआ था, उनमें बोला था कि सब उसमें डीलर्स, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स यामाहा के आए थे, और उसमें बोला गया कि इंडिया में जल्द ही यामाहा का इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अदर कंट्रीज में ऑलरेडी, बहुत सारी कंट्रीज में है यामाहा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बट ये जो है E01, इसकी टेस्टिंग होने वाली है मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान और इंडोनेशिया। देखिए गाइस, इंडिया में भी होगी टेस्टिंग, बट इंडिया के साथ बाकी सारे कंट्रीज में भी टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग के बाद ये लॉन्च होगा। ओके, तो लॉन्चिंग के पहले ये जो है यूरोप में भी टेस्ट होगा, जहां पे हाईवे इक्विवेलेंट रोड्स जो है वहां पे टेस्टिंग होगा, और मलेशिया जो है वहां पे ट्रॉपिकल कंडीशंस में इसका टेस्टिंग होगा। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्टिंग नहीं है, विदाउट टेस्टिंग अगर आप लॉन्च करते हो तो क्या होता हो सकता है? इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है ओला। ओके, तो टेस्टिंग करने वाले पहले मलेशिया में करेंगे, यूरोप में करेंगे, ट्रॉपिकल कंडीशंस में करेंगे और हाईवे पे भी करेंगे। ये देखो, फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन ओला ने लाया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे गाली दी वीडियो के नीचे, बट गाइज मैं बुरा नहीं बोलना चाहता हूं, कौन सा भी ब्रांड है उसने पढ़ाई करके मार्केट में आना चाहिए। फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन कौन से भी नॉर्मल स्कूटर में भी नहीं है इंडिया में। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट मोनोशॉक, और आपकी जो मोटर है 8500 वैट्स की मोटर है, तो इतना जबरदस्त टॉर्क वो प्रोड्यूस करने वाली है, और फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन को अगर बुरे रास्ते आप दे रहे हो तो वो टूटने वाला है, एक्सीडेंट होगा। तो फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं टूटना चाहिए, तो ये गलत बातें कुछ है। तो यामाहा की बात करें तो यूरोप और मलेशिया में टेस्टिंग करने के बाद वो आएगा। अभी इसमें बैटरी कितनी होगी? तो 4.9 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक होगा गाइस, 4.9 किलोवाट आवर, बहुत ही तगड़ा बैटरी पैक है। और ये जो बैटरी पैक है ये ओला एथर इनसे भी ज्यादा है, मुझे लगता है 4.9 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक होगा गाइस, मतलब मैं कंसिडर कर रहा था 5 किलोवाट आवर, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है, मतलब 5 यूनिट इसको फुल चार्ज करने को लगेंगे। और ये 5 यूनिट फुल चार्ज को लगेंगे, अगर एक यूनिट की प्राइस हम ऑन एन एवरेज 7 रुपीज कंसिडर करते हैं तो 35 रुपीज में फुल चार्ज हो जाएगी, और आपको वो 100 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और टॉप स्पीड कितना है? 100 km/h। गाइस देखिए, ओला ने इटरगो को अपने इंडिया में लॉन्च किया। एक्चुअली इटरगो ये स्वीडिश ब्रांड था, उनका टॉप रेंज 75 था और टॉप स्पीड भी 75 था। तो 75 km/h वाला टॉप स्पीड वो इंडिया में लॉन्च किया एज अ 115 km/h, तो ज्यादा स्पीड है, तो ज्यादा मोटर से करंट ड्रॉ होने वाला है, मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ होने वाली है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है, उसमें इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसमें उनकी NMC बैटरी है। अभी ऐसा सुनाई दे रहा है कि वो LFP बैटरी के साथ आने वाले हैं,
ओला के ऊपर पूरा मूवी बन सकता है। मैं बातें करने जाऊं तो ओला के ऊपर एक घंटे का वीडियो इजीली बन सकता है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि LFP वो लेके आएंगे। तो LFP क्या है? लिथियम फेरोफॉस्फेट। तो यामा ऑलरेडी LFP के साथ आने वाली है जो 100 किलोमीटर रेंज दे देगी और एक 100 km/h का टॉप स्पीड दे देगी। ये देखो गाइस, आप सिटी के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो टॉप स्पीड मत देखना, क्योंकि टॉप स्पीड इज नॉट मैटर व्हेन यू आर राइडिंग योर स्कूटर और बाइक इन सिटी। सिटी वैसे भी मैक्स टू मैक्स 60 km/h तक का टॉप स्पीड हम सिटी में अचीव कर पाते हैं। जो 70, 80, 90 से चलाते हैं वो भूल गए शायद वो सिटी में चलाते हैं। ओके, तो आपने हीरो इलेक्ट्रिक या एम्पियर मैग्नस EX या मैं बोलता हूँ एथर या बजाज, इनको देखना चाहिए। बहुत अच्छी खासी स्कूटर्स बनाई है। ज़्यादा 100 के ऊपर टॉप स्पीड होने की कुछ जरूरत नहीं, मैं तो बोलता हूँ 60 बहुत हो गया। ओके, उसके बाद में मोटर की बात की जाए, 8.1 kW की पिक पावर की मोटर होने वाली है गाइज। एम्पियर मैग्नस EX, हीरो ऑप्टिमा, इनकी तो मैक्सिमम मोटर कैपेसिटी 1500 W से भी कम है, बट आपको वो सिटी के लिए अच्छा इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है। अगर हम एथर की बात करें या ओला की बात करें, ओला में तो 8500 W की पिक पावर वाली मोटर है। सिंपल वन में भी बोला जा रहा है 8.5 kW की पिक पावर वाली मोटर है। जो एथर है उसमें थोड़ा कम है गाइज, बट ये जो पिक पावर इतना मिलता है तो उतना अच्छा ब्रेकिंग भी होना चाहिए, उतना अच्छा बैटरी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, उतना अच्छे सस्पेंशन भी होने चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा एक प्रोडक्ट बने। आप इतना तगड़ा उसको टॉप स्पीड दे रहे हो 115 km/h और आपके ओला स्कूटर में थर्मल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, आपको एक्टिव कूलिंग नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम देने वाली है स्कूटर। तो मुझे ऐसा लगता है यामा इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहा है और एक्टिव कूलिंग के साथ आएगा वो। अभी तो मुझे एथर ही पता है जो एक्टिव कूलिंग के साथ आता है। तो ऐसा लग रहा है कि 8.5 किलोवाट वाली पिक पावर वाली जो मोटर है, जो बहुत तगड़ा भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, 30.2 Nm का टॉर्क, इतना टॉर्क, बहुत ही जबरदस्त टॉर्क है ये। वो बैटरी का वीडियो देखा आपने? बैटरी का में जो वीडियो बनाया लो EV नाम का, भाई इतना सिंपल है वो, 1500 W वाला मोटर है बट बहुत तगड़ा टॉर्क देता है। तो मैं सोच रहा हूँ ये 30.2 Nm वाला टॉर्क कहाँ पे लेके जाएगा आपको, बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें तीन मोड्स रहेंगे, जो नॉर्मल है मतलब सिंपल वाला मोड, इको वाला जो होता है, उसके बाद में राइड होगा और उसके बाद में स्पीड वाला कुछ तो भी मोड होगा, रैप वगैरह बोल सकते हैं, और एक रिवर्स मोड भी होगा। बाकी सारे फीचर्स आ जाएंगे, जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग एक्सेट्रा, ब्ला 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 कुछ भी। ये देखो, सिटी में गाड़ी चलाना चाहते हो, कम्यूटिंग के लिए गाड़ी चलाना चाहते हो, फिर से बोल रहा हूँ, आपको टच स्क्रीन की कुछ जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको जियो टैगिंग की, मैप्स की कुछ जरूरत नहीं है, आपको स्कूटर में कॉल उठाने की कुछ जरूरत नहीं है, ये फीचर्स फालतू है। आपको सादा डिजिटल डिस्प्ले अगर होगा ना तो भी कंफर्टेबल है, जिसके ऊपर आपको वोल्टेज दिख जाएगा, बैटरी का कितना जा सकती है रेंज दिख जाएगा, मोड्स दिख जाएंगे, कितना किलोमीटर चली है वो दिख जाएगा और स्पीड दिख जाएगा, ये कंफर्टेबल है, इतना सफिशिएंट है। ये एथर ओला इन्होंने जो लाया है ना, उसकी जरूरत नहीं है गाइज। आप अगर रोज ऑफिस में जाने वाले हो, आपको क्या जरूरत है उसमें मैप्स की? मैप्स कब लगते हैं? जब आप अननोन लोकेशन पे सिटी के बाहर जा रहे हो, और उसमें भी अगर आपके पास मोबाइल है तो वो स्कूटर में क्यों मैप चाहिए? अरे भाई, उसका ही खर्चा 20 से 30 हज़ार रुपये उसका खर्चा हो जाता है टच स्क्रीन LED डिस्प्ले का। इतने फीचर्स की जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, मैं बोलता हूँ, मतलब सिटी के लिए ले रहे हो तो। अभी इसकी कॉस्ट की बात करें गाइस, तो यूरोप में ऐसा बोला जा रहा है कि 3,999 pounds इसकी कॉस्ट हो सकती है। तो इंडियन रुपीज में 2.5 lakhs की हुई गाड़ी जाना चाहिए भाई, 2.5 lakhs। तो मुझे ऐसा लगता है यामा को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इंडिया में ये देखो 2.5 है, विदाउट सब्सिडी है। सब्सिडी इसमें ऐड की जाए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, तो वही सब्सिडी 85,000 तक हो जाती है। मतलब ये 1.5 lakhs तक ये गाड़ी आ जाएगी आपको ऑन रोड, 1.5 lakh। तो बहुत ही तगड़े फीचर्स के साथ यामा जल्दी इंडिया में आएगा। ऑलरेडी हीरो मोटोकॉप की विडा जो है वो July 2022 में आने वाली है। हीरो मोटोकॉप की विडा, हीरो इलेक्ट्रिक इज डिफरेंट, हीरो मोटोकॉप इज डिफरेंट, तो उसके लिए भी मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका प्यार बरसा दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।